GIF of pi x. Question है find the value of f of pi by 2. यानी मुझे केवल x की वैल्यू pi by 2 सब्स्टिट्यूट करनी है और जो GIF है उसे कैलकुलेट करना है. So who will give this a try? अबिन, अबिन जरा इसको ट्राई करो, मुझे बताओ क्या आंसर आना चाहिए. अबिन, अमृत आवाज आ रही है ना? What is GIF of pi? सर सर पाई माइनस वन. दिमाग कॉन्सेंट्रेट करो और ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं. आई एम आस्किंग यू व्हाट इज GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ पाई. फाइन, अब बताओ. थ्री होता है. ठीक है, फाइन. तो थ्री और ये क्या हो गया, पाई बाय टू. एक्स तो पाई बाय टू है ना. अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, कॉस और GIF के अंदर क्या आएगा जब तुम एक्स की वैल्यू पाई बाय टू रखोगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? पाई इंटू पाई बाई टू. पाई स्क्वायर बाई टू अप्रोक्सीमेटली कितना हो गया सर? 2 point समथिंग आएगा, मतलब उसका GIF सब 2 हो जाएगा. अभिन यार कैलकुलेट कर यार, क्या कर रहा है? पाई की वैल्यू क्या होती है? 3.14 अप्रोक्सीमेटली. 3.1 स्क्वायर क्या होगा उसका? 9 के अराउंड आएगा, 4 हो जाएगा. तो बाई 2 करेंगे तो क्या आएगा सर? 4 हो जाएगा GIF. तो फिर क्या कर रहा है, क्या आ रहा है आंसर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ पाई बाई टू? व्हाट इज कॉस 3 पाई बाई टू? सर कॉस 270 पे सर 0 हो जाता है. ये 0 हो गया और वो क्या हो गया, कॉस 4. तो कॉस 4 इज योर आंसर. अब इन कॉस 4 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? सर पॉजिटिव होगा. क्यों सर? क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा ना. और कैसे सर? हाँ सर, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं ना. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे आ रहा है तो बताओ. तुम जो कह रहे हो वो रेडियंस में 4 है ना एंगल. हाँ, तो रेडियंस में 4 है. फोर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. यही तो पूछ रहा हूँ, कैसे आता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में 4? सर पॉजिटिव है तो दुनिया की सारी पॉजिटिव वैल्यूज फर्स्ट क्वाड्रेंट में आती हैं क्या? नहीं. तो वही तो पूछ रहा हूँ, 4 कैसे है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, एक्सप्लेन तो करो. 5 कहाँ होगा, 5 रेडियंस? 5 रेडियंस किस क्वाड्रेंट में होगा? कॉस 5 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव. तुम 4 कैसे बोल रहे हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? अभिन्न, कहां से आ रहा है ये इंफॉर्मेशन, कहां से आ रही है भाई? कोई बता रहा है ऊपर से? तुम कुछ तो तुमने लॉजिकली बोला होगा ना. 4 कैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बताओ ना यार. अबे चुप मत बैठो, जो तुम सोच रहे हो बताओ ना, उसको डिस्कस करो, गलत होगा तो सही कर लेंगे. सर 4 मैं सोचा कि वो सर मतलब सर एंगल 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 सर पॉजिटिव है. क्या बोल रहे हो यार, एंगल पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा. सर उसने 4 डिग्री सोचा रहेगा इसलिए. यस सर. लेकिन वह फिर तो 0 टू 90 बोलता ना, ये पॉजिटिव पॉजिटिव कर रहा है. अरे पॉजिटिव एंगल क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, सारे पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे. अच्छा नहीं, हां सर. अगर 0 टू 90 बोलता, डिग्रीज में मान लो गलती कर रहा होता, तो 0 टू 90 बोलते तो सही कम से कम. हां सर, मैं वो सोच रहा था कि cos सर ये
जीरो से माइनस मतलब 90 के बीच में भी पॉजिटिव होता है ना, इसलिए मैं पॉजिटिव। तुम जो भी सोच रहे हो अब मुझे फिर सोच के बताओ कि फोर किस क्वाड्रेंट में आएगा, फोर रेडियंस। एक मिनट सर, थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, अब ठीक है। तो क्या होगी इसके वैल्यू, पॉजिटिव या नेगेटिव? सर नेगेटिव। ठीक है, ऑलराइट। अब सेकेंड पार्ट में इनइक्वालिटी है और इनइक्वालिटी के क्वेश्चन हमने काफी किए थे, तो ये अपने आप ट्राई करना। थर्ड पार्ट में सेवेंथ क्वेश्चन के आगे इक्वेशंस हैं। इसमें से अगर मुझे कोई क्वेश्चन पिक करना हो, चलो हम लोग पिक करते हैं इलेवेंथ क्वेश्चन। असाइनमेंट का इलेवेंथ क्वेश्चन देखो। हेलो सर। हाँ बोलो सर। मैं मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है, मैं रीलॉग इन कर रहा हूँ। हाँ हाँ वापस आओ। So GIF of 2 plus fractional part of x is equal to x plus GIF of x. GIF of 2 plus fractional part of x is equal to x plus GIF x. Prasanna hi gaya, kaun gaya abhi? Arpit? Sir, Prasanna hi gaya. Haan sir. Arpit, awaaz aa rahi hai? Haan sir, aa rahi hai. Batao. कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे पहले स्टेप में? सबसे पहले क्या करना चाहिए हमें, बोलो। अरे जल्दी बोल यार सर। LHS 2 हो जाएगा। LHS 2 हो जाएगा, वेरी गुड। प्रॉपर्टी हमने कौन सी यूज की सर? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो वो डेसिमल में होगा और 2 इंटीजर है। तुम डायरेक्टली क्या, ठीक है। प्रॉपर्टी हमने यूज की कि GIF के अंदर अगर इंटीजर है तो बाहर चला जाता है। 2 प्लस हां सर वही GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, और ये मैंने अगर तुम्हें याद हो प्रॉपर्टी में लिखवाया है GIF ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, बहुत ऑब्वियस बात है 0 होगा। तो एक्चुअली ये इक्वेशन यहां पहुंच गई, 2 इज इक्वल टू x प्लस GIF ऑफ x। Now what? अब क्या करेंगे? सर हम लोग x को split कर भाई, तो split कर और फिर fractional part of x की inequality बना के वो करते हैं। Very good. तो ये वही method पर based question है जो हमने last class में discuss किया था, और सारे question लगभग इसी चीज से solve होंगे। Now we will express fractional part of x in terms of GIF of x. और अब हम एक इनइक्वालिटी सॉल्व करेंगे, कौन सी? हमको पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स हमेशा 1 से छोटा होता है और 0 से बड़ा होता है। सो 2 माइनस 2 GIF ऑफ एक्स इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसको अगर तुम सिंप्लीफाई करो, माइनस 2 कर दो, माइनस 2 माइनस 2 GIF ऑफ एक्स लेस देन माइनस 1, डिवाइडिंग बाई माइनस 2 1, inequality reverse, greater than equal to x greater than what, half, hai ki nahi? Aur iska matlab hai kyunki gif x hamesha ek integer ho sakta hai, so the only possible value is 1 aur gif x agar 1 ho gaya part, yes the fractional part of x zero jo ki 0 hai, add kar do dono ko, in dono ko add kar do, so x is equal to 1। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस तुम्हें इस सेक्शन मिलेंगे जहां पर तुम्हें इक्वेशन सॉल्विंग करनी है, और ये हम क्लास में ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। ओके फाइन, समझ में आई बात? यस यस सर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है तुम्हारे 18 तक, देखो यही क्वेश्चन है 18th प्रॉब्लम तक, यही क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर आता है ग्राफिकल। ग्राफिकल प्रॉब्लम्स कैसी होती है, मैंने तो बताया था ग्राफ प्लॉटिंग की जरूरत क्यों पड़ती है। कभी कभी इक्वेशन सॉल्विंग डिफिकल्ट होगी, बट ग्राफ प्लॉट करने से जो पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकलते हैं उससे हम नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बता सकते हैं। सो तुरंत हम पहुंचते हैं सीधा सीधा पहले क्वेश्चन पे, मतलब जो 19th क्वेश्चन सर इनमें। हाँ सर, ग्राफिकल टाइप क्वेश्चन में हमें मतलब वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन से निकालने होते हैं मोस्टली, या फिर रेंज वगैरह भी पूछते हैं वो लोग।
नहीं, अब ग्राफ कई जगहों पे यूज हो सकता है, बट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने के लिए बहुत हैंडी है. रेंज निकालने में तो तुम्हें यूज करना ही पड़ेगा. अगर कोई डिफिकल्ट फंक्शन आ गया तो उसका बिना ग्राफ प्लॉट किए हुए रेंज निकालना बहुत मुश्किल है. सो अब हमारा पहला क्वेश्चन देखो, 19th क्वेश्चन जो है, GIFX is equal to XQ. अब इस क्वेश्चन को देख के साफ समझ में आ रहा है, हम इसको ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं कर सकते, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं. भाई सॉल्व करने की कोशिश मतलब क्या, वही जो हमारा तरीका है. क्या तरीका है? y-axis पे इंटीजर्स ले लेंगे और फिर वो प्लॉट करेंगे. हाँ, अगर अगर तुम ग्राफ से कर रहे हो तो अलग बात है. चलो ग्राफ से ही स्टार्ट करते हैं. सर x को सब्स्टिट्यूट करेंगे, ग्राफ बनाते हैं. ठीक है, सबसे पहले मैं ग्राफ बनाता हूँ येलो से GIFX का. चलो तो GIFX ग्राफ कैसा होता है आपको पता है, स्टेप फंक्शन है, 0 से 1, देन 1 टू 2. ये ग्राफ तो मतलब ऐसा होना चाहिए कि तुरंत बन जाए, सोचना ना पड़े, है ना. जिस तरह एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, साइन का ग्राफ है, लॉग का ग्राफ है, वैसा ही अब GIF और फ्रैक्शनल पार्ट होना चाहिए. तो तुरंत ये ग्राफ बन जाने चाहिए. स्टेप फंक्शन है, यहां भी ले जाओ. चलो इतना बहुत है, ये एक और नहीं था, एक और. तो ये पॉइंट्स अगर मार्क करूं, ये -1 -2 से -1 के बीच में -2 है, -1 0 के बीच में -1 है, दिस इज -1, दिस इज +1 -3. तो ये ग्राफ मैंने बना दिया GIF ऑफ x का. अब जो दूसरा ग्राफ मुझे प्लॉट करना है, चलो उसको हम ब्लू से प्लॉट करते हैं, वो है x क्यूब का ग्राफ. y इज इक्वल टू x क्यूब का ग्राफ. अब y इज इक्वल टू x क्यूब, y is equal to x cube graph कैसा होगा? Differentiate करोगे, 3x square always increasing तुम्हें दिखाई देगा कि हमेशा increase करेगा, है ना. अब अगर तुम इसको point by point plot करो, जैसे 0, तो 0 पर इसकी value आ रही है, origin से pass करेगा, 1 पर इसकी value 1 आ रही है, यानी इस point से भी pass करेगा. लेकिन 2 पर तुम देख सकते हो इसकी value बहुत बड़ी आ रही है, 2 पर इसकी value 8 आ जा रही है. मतलब ग्राफ कुछ ऐसा जो है जाना चाहिए इस तरीके से. क्यूब है ना यार, क्यूब तो सडनली बहुत तेजी से इंक्रीज, 3 पर इसकी वैल्यू कहीं 27 पहुंच जाएगी, 4 पर इसकी वैल्यू कहीं 64 पहुंच जाएगी. तो ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाएगा, जबकि स्टेप फंक्शन एक एक स्टेप ले लेके ऊपर बढ़ रहा है. तो ये तो कंफर्म दिख रहा है कि अब आगे कहीं इंटरसेक्शन होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, है क्या? नहीं सर, नहीं सर. अब जरा पीछे आते हैं, पीछे आके देखते हैं, सिमेट्री है वैसे. खैर, -1 पर इसकी वैल्यू -1 होगी, एग्री? -1 पर इसकी वैल्यू -1, ग्राफ ऐसा हो गया. बट एक बार फिर -2 पर इसकी वैल्यू -8 हो जाएगी ना, -8 के नीचे, -8. सर tan x के ग्राफ जैसा, tan x तो बहुत तेज इंक्रीज कर जाएगा, मतलब पाई बाय 2 पे इनफिनिटी पहुंच जाता है, बट हां सिमिलर है केवल शेप से, शेप ऐसे ही. हां ठीक है, अब ये दोनों ग्राफ मैंने प्लॉट कर दिए हैं. कैन यू टेल मी हाउ मेनी सॉल्यूशंस आर देयर? कितने सॉल्यूशंस हैं? 13 3 तो 4 रहेंगे. वो ओरिजिन में भी कर रहे हैं, फिर ओरिजिन पे भी होगा ना. हां, तो 4 होना चाहिए, 4 होंगे. हां सॉरी, 4 होंगे. और चौथा तुम यहाँ भूल गए, -2 से -1 के बीच में भी तो कट कर रहा है. 4 सॉल्यूशंस आ रहे हैं, 4 सॉल्यूशंस. ट्रस्ट मी, किसी भी और मेथड से इतनी जल्दी आंसर नहीं निकलता. ये अलग बात है कि तुम लोग हिट एंड ट्रायल से 0 निकाल लेते, 1 निकाल लेते, -1 निकाल लेते, लेकिन ये जो चौथा सॉल्यूशन है, चौथा वाला नहीं, वो उतने आराम से निकलता नहीं. उसको निकालना मुश्किल होता है. तो दिस इज वेयर ग्राफ विल बी वेरी यूजफुल. ग्राफ को यूज करना हमेशा एडवाइजेबल है, बिकॉज अगर तुम इक्वेशन सॉल्विंग पे आओगे तो फंस जाओगे,
इक्वेशंस अलजेब्रिकली सॉल्व करने की कोशिश करोगे, सॉल्व होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन बहुत लेंथी प्रोसीजर है इसको सॉल्व करने का। सर मतलब जहाँ पे नंबर ऑफ प्रोसीजर होगा कुछ है वहाँ पे ग्राफ बेटर। यस यस, जहां पर उसको सोल्यूशन से मतलब नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है, वो चाहता है कि तुम केवल नंबर ऑफ सोल्यूशन बताओ, वहां पे तुम ग्राफ का यूज करो। ठीक है सर, इसको अगर अल्जेब्रिकली सॉल्व करते हैं। हाँ सर, सिली सा डाउट है, लेकिन मतलब आप फोर्थ सोल्यूशन एक बार एक्सप्लेन करोगे क्या, माइनस वन से माइनस टू के बीच में? हाँ तीन ही है लेकिन ठीक है, और बन जाएंगे। हाँ क्यों, क्या मैं एक्सप्लेन करूँ कौन सा ग्राफ? माइनस वन से माइनस टू के बीच वाला पार्ट, वो सोल्यूशन कैसे काउंट हुआ? कैसे काउंट हुआ? मैंने तो केवल ग्राफ प्लॉट किया, उसने कट कर दिया उस लाइन को। अच्छा कट किया वैसे? हाँ सॉरी सॉरी, देखो ना इस पॉइंट से इस पॉइंट को अगर मुझे जॉइन करना है तो जो लाइन या जो कर्व हम ड्रॉ करेंगे उसे कट करना पड़ेगा ना उस हॉरिजॉन्टल लाइन। यस सर। तो जैसे उसने कट किया मेरा सॉल्यूशन मिल गया। अच्छा सॉरी, वो नहीं देखा मैंने सर। तो ये ग्राफिकल वाले क्वेश्चंस जो हैं वो हैं 21 पर, उसके बाद है टिपिकल। टिपिकल मतलब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, कि मतलब वैल्यू डालते जाओ, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस भी आगे आ जाएंगे इसमें, अच्छे क्वेश्चंस भी आ जाएंगे। तो ये लास्ट के सम से इसमें जो है थोड़ा टाइम लग सकता है। जैसे कि अगर तुम उठाओ क्वेश्चन नंबर 23rd क्वेश्चन जो है, देखो क्वेश्चन नंबर 23 और ये लास्ट क्वेश्चन जो मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, इसके अलावा जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं, रिमेम्बर सभी लोगों को अपने सॉल्यूशंस मुझे, ठीक है, पर्सनली मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करने हैं। जब तुम सॉल्यूशन में तुम्हारे देख लूंगा तब मैं तुम्हें सॉल्यूशन जो एक्चुअल सॉल्यूशंस हैं वो भेजूंगा, उसको मैच करना कि सही है गलत है। फाइन, तो 23rd कितने हैं, 30 नहीं आज नहीं, कल तक भेज लो, कल तक देख सकते हो। ठीक है, 23rd क्वेश्चन देखो कुछ ऐसा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जीआईएफ ऑफ 1/3, 1/3 प्लस 1/100, 1/3 प्लस 2/100 से लेकर 1/3 प्लस 99/100, इसकी वैल्यू कितनी होगी ये बतानी है। अब इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? पहले तो हमें 0.66 के बाद वाला लेना चाहिए ना। ये हमेशा जीरो रहेगा? नहीं, ये जब ये वन से बड़ा हो जाएगा। परफेक्ट, अब ये वन से बड़ा कब होगा? ऑब्वियसली 1/3 में जब 2/3 ऐड होगा तब वो वन होगा। अब 2/3 क्योंकि डिनोमिनेटर में 100 है तो 2/3 तो एग्जैक्ट आएगा नहीं, तो 2/3 से स्लाइटली बड़ा नंबर। अब 2/3 को अगर तुम देखो, 2/3 को 33 से मल्टीप्लाई करूं तो इट इज 66/99। तो जब तुम 66/100 पे पहुंचोगे, हाँ 66/100 पे पहुंचोगे, देखो 1/3 प्लस 66/100, तो अभी भी तुम वन से जो वैल्यू है छोटी, ऑलमोस्ट इट इज स्टिल लेस देन 1। जो नेक्स्ट नंबर आएगा 1/3 और 67/100, अब तुम 1 से बड़ी वैल्यू पे आ गए। तो अब क्योंकि 1 से बड़ा हो गया, 1 से 2 के बीच में आ गया, तो उसका जीआईएफ 1 होना शुरू हो जाएगा। अब ये 1 कितनी बार आएगा ये भी तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया तुम्हें? एक्चुअली यही, क्योंकि जो लास्ट टर्म है, देखो जो लास्ट टर्म है वो भी 1 से, मतलब वही करना है। करेक्ट, हां उसके आगे हो गया ही नहीं। करेक्ट, तो 1/3 प्लस 99/100 इज एप्रोक्सीमेटली व्हाट, देखो ना 0.33333 और 0.99, तो ये भी तुम्हारा एप्रोक्सीमेटली देखोगे तो 1.3, तो जो भी नंबर सब आएंगे 1 और 2 के बीच में ही रहेंगे। So what is your answer? सर और प्लस सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है तो 1 ही गिनेंगे ना सर हम लोग। यस, तो 1 वो कितनी बार आया 67 से 99 तक 1 कितनी बार है? 33। तो ये क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया और कोई बहुत ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगा, बस हमको ये हर एक टर्म को कैलकुलेट करना था और उससे हमको आंसर मिल गया। बट
इस क्वेश्चन को सॉल्व करना करने का ये इकलौता मेथड नहीं है, बिकॉज अगर हम इस तरीके से करेंगे तो डेफिनेटली ये 100 था, 99 तक गया तो आराम से कैलकुलेशन हो गई. इमेजिन करो कि नीचे 10,000 होता और हम 9,999 तक जा रहे होते, तो मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जैसे हम इंक्रीज करेंगे कैलकुलेशन बढ़ती जाएगी. तो यहाँ पे एक आइडेंटिटी है जो तुम्हारे सिलेबस में तो नहीं है, इसको हर्मिट्स आइडेंटिटी बोलते हैं. इस क्वेश्चन से मुझे याद आया, सिलेबस में नहीं है, ओलंपियाड्स में बताता हूँ उसको. नाउ दिस आइडेंटिटी सेज दैट जीआईएफ ऑफ एनएक्स इज इक्वल टू जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस 1 बाय एन प्लस जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस 2 बाय एन प्लस सो ऑन टू जीआईएफ ऑफ एक्स प्लस एन माइनस 1 बाय एन. तो जिसको ये चीज पता है, वो जो हमने एक दो मिनट में इस क्वेश्चन का आंसर निकाला है, वो कुछ सेकंड्स में अपना आंसर निकाल लेगा, बिकॉज हमको पता है कि यहाँ पर n क्या है ना, यहाँ पर n क्या है, क्या है n? इस क्वेश्चन को अगर 100 है ना, तो देखो ना 100 इंटू एक्स क्या है, 1/3. व्हाट इज 100 इंटू 1/3? 33.33 सोच सकते हो? मल्टीप्लाई सबट्रैक्ट कुछ तो सब कुछ जीआईएफ के अंदर है, तो मल्टीप्लाई और कॉम्प्लिकेट हो जाएगा सर, और सब कुछ जीआईएफ के अंदर है ना सर. एक्स की रेंज अज्यूम कर करके कुछ तो. एक्स की रेंज क्या है? एक्स तो कांस्टेंट है ना, एक्स तो कोई भी वैल्यू हो सकता है. एन पर यहाँ पर कंडीशन है कि एन रिपीट कर सकते हैं. एन जो है वो नेचुरल नंबर है, एन इज अ नेचुरल नंबर. क्वेश्चन रिपीट करूं? अच्छा, तो क्वेश्चन है भाई कि ये जो आइडेंटिटी, यही क्वेश्चन है, ये देखो जीआईएफ ऑफ एनएक्स इज इक्वल टू जीआईएफ एक्स प्लस जीआईएफ एक्स प्लस 1 बाय एन से लेकर. तो ये वाला इधर में था, मैं पूछ रहा था कि इसके बाद अगर आपने दो क्वेश्चन. क्या कह रहे हो तुम यार, ये आइडेंटिटी है, मैं कह रहा हूं उसको प्रूफ कैसे करेंगे, मैं समझ नहीं आ रहा तुम क्या बोल रहे हो. ओके ओके ओके, समझा. तो ये जो आइडेंटिटी है इसको प्रूफ कैसे किया जाए, ये सोचना है. सर इसमें x को gf x plus fractional part x लिख के कर सकते हैं. हाँ क्यों नहीं, तो कहाँ, RHS में या LHS में, दोनों में? RHS. RHS में हाँ, लिखो फिर. RHS में तुम x को gif x plus fractional part of x लिखोगे तो जो RHS है वो बन जाएगा, सब में से gif x बाहर आएगा, ये n times gif x बन जाएगा और इसके अंदर बचेगा fractional part of x plus 1 by n. अगला हो जाएगा gif of fractional part of x plus 2 by n and so on to fractional part of x plus n minus 1 by n. ये चलो अब बताओ क्या होगा नेक्स्ट स्टेप. रास्ता बिल्कुल सही है, बिकॉज अगर तुम LHS को देखो, LHS को भी देखो इस तरीके से, अगर मैं LHS में भी ये काम करूं कि मैं जो x लिखा हुआ है उसको gifx plus fractional part of x लिख दूं, तो यहां से भी देखो ये इंटीजर है, ये बाहर निकल जाएगा, n times gifx तो बाहर आएगा जो कि तुम ले आए, ये चीज आ गई. लेकिन जो बचा है वो है gif of n fractional part of x. तो ये जो बचा हुआ, यानी ये जो n टर्म्स यहाँ पर है, n माइनस 1 टर्म्स यहाँ पर हैं,
वो इसके इक्वल है, ये चीज शो करनी होगी। सर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जीएफ जीरो कर सकते हैं ना इक्वेट? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जीएफ जीरो होता है, करेक्ट, बिल्कुल होता है सर। तो आरएचएस में इक्वेट उसको हटा सकते हैं हम लोग? नहीं नहीं नहीं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जीएफ जीरो है, एन इनटू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जीएफ जीरो थोड़े जीरो होगा यार, एन मान ले सर। एलएचएस में नहीं, आरएचएस में जो आपने बनाया ना वो। हां तो आरएचएस में भी तो 1 / n 2 / n ऐड हो रहा है, तो तुम कैसे बोल सकते हो कि पूरी चीज तुम इसको बाहर नहीं निकाल सकते भाई? क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा मुझे। जीआईएफ डिस्ट्रीब्यूटिव तभी होता है जब अंदर इंटीजर्स लिखे होते हैं। हमने इसको बाहर निकाला जीआईएफ से, क्यों? क्योंकि ये इंटीजर था इसलिए बाहर निकल गया। तुम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स को बाहर नहीं निकाल सकते, है ना, तो फ्रैक्शन है। हाँ भाई, तो तुम लोग बता नहीं रहे हो कि क्या किया जाए यहां पर। अगर तुम्हें हिंट चाहिए, ये तो चलो एक क्लोज फॉर्म में है, एलएचएस में तुम्हें अब कुछ और कुछ करना है नहीं, आरएचएस में ही कुछ करना है। तो मेरी तरफ से हिंट ये है। हाँ सर, हमने लास्ट क्लास में किया था ना कि अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो से वन बाई एन के बीच में है तो वो मतलब एन बाहर आ जाता है, केसेस बनाने की कोशिश कर रहे हो। हाँ वैसे केसेस बनाकर डेफिनेटली इसको सॉल्व किया सकता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स जीरो से वन बाय एन के बीच में, वन बाय एन से टू बाय एन के बीच में, ऐसे एन से मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ हो गया है बेटर। नहीं, तुम जीएफ के अंदर नहीं ले सकते ना, एन से मल्टीप्लाई डिवाइड जीएफ के अंदर करना पड़ेगा, फिर कुछ फायदा नहीं। अच्छा, हाँ। यहाँ पर हर एक टर्म को ऑब्जर्व करो, फॉर एग्जाम्पल दिस टर्म, और जरा सोचो कि ये क्या लिखा हुआ है। ये जितना देखने में डिफिकल्ट लगता है होता हुआ उतना इजी, बिकॉज जीआईएफ ऑफ एनीथिंग इज ऑलवेज एन इंटीजर, ये बात ध्यान रखो। यहाँ पे जो भी लिखा हुआ है कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड इरेशनल नंबर या कोई डेसिमल में नंबर नहीं लिखा हुआ, ये एक इंटीजर लिखा हुआ है, तो फील गुड अबाउट इट कि हमारे सामने एक इंटीजर है। अब जरा सोचो कि ये कौन सा इंटीजर हो सकता है। भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का जीआईएफ तो जीरो होता है, उसमें वन बाय एन एड हो रहा है। 1 by n मतलब जैसे 1 by 2, 1 by 3, 1 by 4, 1 by 10, 1 by 100, ये कुछ भी हो सकता है, बट है तो फिर भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन। दो प्रॉपर फ्रैक्शंस अगर ऐड होते हैं, दो ऐसे फ्रैक्शंस ऐड होते हैं जो 1 से छोटे हैं, तो उनकी वैल्यू मैक्सिमम कहां तक जा सकती है भाई? 2 तक। 2 भी पहुंचेगा नहीं, एग्जैक्ट 2 कभी नहीं बनेगा। तो मुझे बताओ कि ये जो टर्म है इसकी वैल्यू क्या पॉसिबल है? इसकी केवल दो ही वैल्यूज, जीरो या वन, आइदर जीरो या वन, और इतना हिंट काफी है। इतना हिंट काफी है कि हर एक टर्म जो यहां पे राइट हैंड साइड में लिखी है, हर एक टर्म उसकी वैल्यू या तो जीरो है या फिर वन है, एवरी ईच एंड एवरी टर्म। नाउ इफ यू कैन डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ एनी कंडीशन और केसेस कि कितनी टर्म्स जीरो हैं और कितनी टर्म्स वन है, अगर एक बार डिसाइड हो जाए तो हम बहुत आराम से एलएचएस को आरएचएस से इक्वेट कर सकते हैं। तो इसको मैं तुम्हारे पर छोड़ता हूं, इट इज अ गुड आइडेंटिटी, इसको तुम ध्यान रख सकते हो, अच्छी आइडेंटिटी है, क्योंकि जेई के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन कभी कभी अगर इस पर बेस्ड, जैसे कि अभी क्वेश्चन को दिखाई दिया ये वाला क्वेश्चन, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन अगर आते हैं तो जल्दी से आंसर देना हो तो आइडेंटिटी का डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ठीक है, हर्मिट्स आइडेंटिटी। फाइन, तो अब ये असाइनमेंट, आई होप ये असाइनमेंट सभी लोग कंप्लीट करेंगे, और असाइनमेंट क्योंकि मुझे इंडिविजुअली भेजना है तो मुझे पता रहेगा कि किसने किया है और किसने नहीं किया, तो उस बात का ध्यान रखना कि ये असाइनमेंट करना जरूरी है, इसमें मैं रिस्क ले नहीं सकता ना, ये ट्रिकी चीज है और किसी ने अगर इसको स्किप कर दिया तो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम आएगी। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। तो जीआईएफ फ्रैक्शन क्वेश्चन मार्क, क्या बोल रहे हो? 35 क्वेश्चन नंबर पे क्वेश्चन मार्क है। हां, 35 है नहीं वहां पर, से क्वेश्चन मार्क 35 नहीं है, 34 तक ही है, और मैं दे रहा था लेकिन उसमें अभी टाइप नहीं हो पाया उनसे, कोई बात नहीं, बाकी क्वेश्चन और दूंगा मैं, 34 बहुत है भाई, इतने क्वेश्चन तुम्हें कहीं नहीं मिलेंगे किसी असाइनमेंट में इस पर बेस्ड, जीआईएफ पर, और सारे जो हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं।
तो अटेम्प्ट करो अपने आप और सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो. इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है इसमें कोई बहुत डिफरेंट ट्रिक लग रही है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, सब कुछ बहुत ही बेसिक है. बस देखने में बहुत ट्रिकी लगता है, जो चीज एक्चुअली उतनी ट्रिकी नहीं है. तो ट्राई करो, नहीं आता है तो डिस्कस करेंगे. ठीक है, आगे टेकन इन स्पेशल. ऑलराइट, तो किसका क्वेश्चन? क्या टेकन इन स्पेशल करके की एक्सेप्शन? नहीं समझ में आया, क्या बोल रहे हो सर? टेकन इन स्पेशल करके एक सेक्शन है. टेकन इन स्पेशल, अच्छा टेकन इन स्पेशल मतलब कुछ स्पेशल जगहों पे फंक्शन यूज हुआ है तो तुम क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो समझ में आएगा. किसी फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन में है, अरे मतलब कुछ बेटर क्वेश्चंस हैं, थोड़े थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस हैं समझ लो. ठीक है चलो भाई, तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस हम कंटिन्यू कर रहे थे. टाइप्स ऑफ फंक्शन में हमने अब जीआईएफ और फ्रैक्शनल पार्ट को कवर कर लिया है कंप्लीटली. इससे ज्यादा तुम्हें उसको पढ़ने की जरूरत नहीं, जितना मैंने बता दिया है उससे ज्यादा तुम्हें जेई के लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आइडेंटिटी के प्रूफ के लिए अभी जगह छोड़ दे फिलहाल. नहीं, उसको अलग से करना, जगह को छोड़ दो. तो पता नहीं कितना तुम स्पेस में, तुम्हारा सही हो गलत हो स्पेस में, क्या पता कितना छोड़ना है. बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाओ. ओके सर. और इसको जो है याद रखो कि मुझे सॉल्व करना है अपने आप. सर ये केसेस पे कैसे होगा? टाइप्स ऑफ फंक्शन में क्या हो गया सर? वो हर्मिट आइडेंटिटी केसेस पे कैसे होगा? नहीं, केसेस तुम केसेस बना रहे हो बहुत सारे, उससे तो हो जाएगा. बट मैं कह रहा हूँ कि केवल केवल दो केसेस बना के भी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है. केस तो बनाना ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म है, बट उतने नहीं जितने तुम कह रहे हो. 0 से 1 बाय n, 1 बाय से 2m, तो तुम्हारे हिसाब से n केसेस बनेंगे. बट मैं ये कह रहा हूँ कि n नहीं, दो केसेस में ही इसको प्रूफ किया जा सकता है. तो वो कैसे करना है ये सोचना है. ठीक है, शॉर्ट प्रूफ थोड़ा सा तुम्हारा तरीका. ठीक है, नेक्स्ट हमारे जो फंक्शन है उस पर बेस्ड पूरा एक टॉपिक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. तो ये समझो कि दिस इज पार्ट ऑफ फंक्शंस ओनली, यस, बट अब जब हम इसको स्टार्ट करेंगे तो पूरा एक चैप्टर खड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा है और इसको हमको ढंग से पढ़ना भी चाहिए बिकॉज इसमें ट्रिग्नोमेट्री का हमारा एटलीस्ट आइडेंटिटीज का पूरा रिविजन हो जाएगा एक. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. सुना इसके बारे में कभी? तो इससे पहले मैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट करूं. तुम देखो यहाँ पर तीन चीजें हैं, फंक्शंस जो हम पढ़ रहे हैं. वी नो, नाउ वी नो व्हाट आर फंक्शंस, हमको अच्छे से पता है. यहाँ पे वर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक यूज हो रहा है, वी ऑलरेडी नो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. ट्रिग्नोमेट्रिक आईडीज में हमने फंक्शंस यूज किए हैं सारे, हमको पता है. टेंस हम यूज कर रहे हैं. नाउ अ न्यू वर्ड हियर इज दिस इनवर्स. इनवर्स ये वाला वर्ड हम फर्स्ट टाइम यूज कर रहे हैं स्पेशली इन दिस चैप्टर फंक्शंस. वैसे तो इनवर्स यूज करते रहते हैं इक्वेशंस में, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस. नहीं नहीं, वो तो बस सॉर्ट ऑफ नोटेशन था एक हमने जो यूज किया था कि साइन 30 हाफ है तो पाई बाय 6 इज साइन वर्स हाफ है, बस लिख दिया था. तो इनवर्स सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं ब्रीफ दूंगा तुम्हें इनवर्स के बारे में. What is inverse of a function? हालांकि ये point detail में cover होगा जब हम inverse of a function function chapter में पढ़ रहे होंगे, but मुझे यहाँ पे केवल एक brief देना है. What is inverse of a function? What do you think inverse of a function is? तुम्हें क्या लगता है? Sir, जो वो actual function को cancel out कर दे. हाँ, not bad, ठीक है, ये भी ठीक है. सर, हम लोग इसका मतलब domain मिल जाएगा अगर कुछ चीज़ का. जैसे मैं mapping की बात करूँ, एक बार रुको, mapping की बात करूँ. जैसे मान लो ये एक set A है, ये set B है, ठीक है. यहाँ पे elements है 1, 2, 3 and this is the set of domain, ठीक है. एक बार रुकना.
हेलो हेलो यस सर आ रही आवाज यस सर यस चलो तो देखो फंक्शन का जो बेसिक आइडिया है वो हमको पता है मतलब मैपिंग से बहुत क्लियर हो जाता है ऐसे यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे ABC मान लो ये डोमेन है ये को डोमेन है 1 को मैंने मान लो A से रिलेट किया 2 को C से रिलेट किया 3 को भी मैंने A से रिलेट कर दिया रेंज क्या है इसकी A और C सब कुछ हमको पता है अब मुझे बताओ अगर ये दिस इज y इज इक्वल टू fx वेयर ऑब्वियसली f इज डिफाइंड फ्रॉम A टू B ठीक है तो इसका इनवर्स इस फंक्शन के इनवर्स लेने का मतलब क्या होगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन b टू a डिफाइन होगा अभी शायद यस इनवर्स का मतलब रेसिप्रोकल नहीं तुम ये मत सोचना कि साइन एक्स का रेसिप्रोकल कॉसेक एक्स है 1 by साइन एक्स तो वो उसका इनवर्स हो गया नहीं इनवर्स ऑफ फंक्शन का मतलब वी आर ट्राइंग टू इनवर्ट द रिलेशनशिप यानी जो रिलेशन पहले ए से बी डिफाइन हो रहा था अब हम उसको बी टू ए डिफाइन कर रहे हैं बट विदाउट चेंजिंग द करेस्पॉन्डेंस बिटवीन द एलिमेंट्स यानी कि अब यहां पर एबीसी बनेगा एंड आई विल कॉल दिस डोमेन मैं इसको डोमेन बोलूंगा और यहां पर जो सेट है उसको मैं को डोमेन बोल दूंगा बी अब डोमेन हो गया ए अब को डोमेन हो गया फाइन इसके बाद कोई नया रिलेशन नहीं आएगा जिन एलिमेंट्स को हमने फंक्शन में एफएक्स में रिलेट किया था जिन एलिमेंट्स से वही एलिमेंट्स उस एलिमेंट से वापस जाके रिलेट होंगे तो क्या रिलेशन देखो ए किससे रिलेट हो रहा था 1 से और 3 से सो ए टू 1 ऐसा कैसे हो सकता है यस ऐसा कैसे हो सकता है वो चीज हम डिस्कस करते हैं अभी और सी टू 2 सर ये फंक्शन रहेगा नहीं अभी 1 टू 1 है तो फिर फंक्शन रह रहा है ना बट अगर नहीं है ये फंक्शन ये इनवर्स ऑफ अ फंक्शन है दिस इज जो मैंने किया अभी दिस इज इनवर्स ऑफ एफएक्स बट इट इज नॉट अ फंक्शन इटसेल्फ है कि नहीं ये खुद एक फंक्शन नहीं है ये खुद एक फंक्शन क्यों नहीं है Because if you look at both conditions, दोनों conditions अगर तुम तो observe करो, domain में कोई element miss नहीं होना चाहिए, यहाँ B miss हो चुका है, B का relation है ही नहीं. Second condition, हर एक जो pre-image होती है, domain का जो element होता है, उसकी हाँ, उसकी unique image होनी चाहिए. Every relationship must be unique, but A से तुम देख सकते हो, दो-दो यहाँ पर relations निकल रहे हैं. So this function, this function's inverse is not a function. क्या यहाँ तक clear हुआ? कि inverse का मतलब क्या होता है बात समझ में? Yes. Inverse yes. का मतलब yes, समझ में कि जो relation A से B था, मैंने केवल उसको B to A कर दिया. Elements का connection same रखा है मैंने, कुछ change नहीं किया उसमें. बस arrow का direction change हो गया, जो पहले A to B था, वो अब B to A हो गया. Now, if I want, अब मैं चाहता हूं कि तुम सोचो under what conditions, inverse of a function will remain a function. देखी होगी कि बी छूट गया वी कैन नॉट अफोर्ड टू लूज एनी एलिमेंट इन डोमेन लेकिन ये छूटा क्यों ये छूटा इसलिए बिकॉज ये यहां पे छूट गया था जब हमने फंक्शन बनाया था यहां पे हमने बी को छोड़ दिया था क्या बी को छोड़ना अलाउड है
यस बी को छोड़ना अलाउड है क्योंकि फंक्शन में कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट मिस हो सकता है, बट वाइल इन्वर्टिंग द रिलेशनशिप ये एलिमेंट मिस हो गया क्योंकि कोडोमेन ने मिस किया था. सो अंडर व्हाट कंडीशंस इनवर्स ऑफ अ फंक्शन विल रिमेन अ फंक्शन, ऑब्वियसली वी कैन नॉट अफोर्ड टू लीव एनी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन. इन शॉर्ट जो तुमने बोला दिस फंक्शन मस्ट बी ऑन टू यानी सर्जेक्टिव. क्या ये कंडीशन में ही? क्यों बोल रहे हैं हम लोग ऑन टू? ये बात तुमने खुद ही बोली. कुछ लोगों ने जो नहीं बोल रहे हैं या नहीं रेस्पॉन्ड कर रहे हैं, क्या उनको ये बात समझ में नहीं आ रही कि अगर मैंने यहाँ पे कोई एलिमेंट मिस कर दिया और जब मैंने उसको इन्वर्ट किया बी टू ए किया तो डेफिनेटली वो एलिमेंट अब डोमेन मिस हो जाएगा, और डोमेन में अगर कोई एलिमेंट मिस हुआ तो ये फंक्शन नहीं रह जाएगा. तो इसका ऑन टू होना यानी सर्जेक्टिव होना जरूरी है. बट इज इट द ओनली कंडीशन? केवल यही एक कंडीशन काफी है क्या? नहीं, क्योंकि यहां पर देखो एक और प्रॉब्लम आई है और वो प्रॉब्लम ये है. वो प्रॉब्लम ए के साथ आई. क्या है वो प्रॉब्लम? ए का रिलेशन ए के दो वैल्यूज वन से भी है और थ्री से भी है. तो एक एलिमेंट डोमेन का दो एलिमेंट्स या मल्टीपल एलिमेंट से रिलेट नहीं हो सकता अगर ये फंक्शन है. तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ बिकॉज जो इनिशियली मैंने फंक्शन बनाया था एफ एक्स, उसमें मैंने वन को भी ए दिया था और थ्री को भी ए दिया था जो कि अलाउड था. मेनी टू वन तो पॉसिबल है फंक्शन केस में. इन्वर्ट किया तो गड़बड़ हो गई. तो इन्वर्ट करें और गड़बड़ ना हो उसके लिए कंडीशन क्या है? कंडीशन है क्या? दैट दिस फंक्शन मस्ट बी व्हाट? वन वन यानी इंजेक्टिव. और अब तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, कोई भी एग्जांपल ले लो जिस फंक्शन में, तो मैपिंग का एग्जांपल लो जहां पे ये देखो ए बी सी है. नाउ आई कैन नॉट टेक मोर देन थ्री एलिमेंट्स इन कोडोमेन. रीजन आई हैव टू फॉर्म अ फंक्शन विच इज ऑन टू एज वेल एज वन वन. तो क्योंकि वन टू वन रिलेशनशिप है, कुछ छूटना नहीं चाहिए, तो फिर जितने एलिमेंट्स डोमेन में होंगे उतने ही एलिमेंट्स को डोमेन में होने चाहिए. अग्रीड? बात सही है कि नहीं? अब जरा देखो, यस सर, ए को टू से रिलेट कर दिया, सी को मान लो मैंने वन से रिलेट कर दिया, बी को मैंने थ्री से रिलेट कर दिया. तो ये अगर एफ एक्स है, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ए टू बी ये डिफाइंड है, तो जो उसका इन्वर्स होगा वो क्या होगा? वन का रिलेशन सी से, देन टू का रिलेशन ए से, और थ्री का रिलेशन बी से. एंड दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन फ्रॉम बी टू ए डिनोटेड बाय एफ इनवर्स एक्स, वेयर एफ इनवर्स is defined from B to A. All right? Yes, sir. बात समझ में आई? Yes, sir. Good. तो ये जो conditions हैं तुमने देखा, a function must be surjective and injective, both. Actually this, ये देखो यहां भी jective, यहां भी jective, तो I think लॉजिक यही रहा होगा जिसने बनाया होगा वर्ड. दीज फंक्शंस आर कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शंस. बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव फंक्शंस और बाइजेक्शंस. सर लेकिन इसका इंट्रो आपने पीएनसी में क्यों दिया था थोड़ा सा? क्योंकि पीएनसी में बाइजेक्शंस का यूज यही है कि तुमने एक सेट कैलकुलेट, अभी मैंने क्या बोला, जितने एलिमेंट्स बी में होंगे उतने एलिमेंट्स ए में होंगे. तो पीएनसी में क्या होता है कि अगर तुम्हें सेट ए के एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं, तुम नहीं कर पा रहे हो, लेकिन तुम सेट बी के एलिमेंट्स कैलकुलेट कर सकते हो, एंड यू कैन प्रूव दैट देयर इज अ बाइजेक्शन बिटवीन दीज टू सेट्स.
इन दोनों सेट्स के बीच में एक बाइजेक्शन वर्क कर रहा है, यानी वन टू वन रिलेशनशिप है, ऑन टू है. सो कैलकुलेटिंग द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी विल गिव यू द आंसर टू हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन सेट ए. तो पीएनसी में थोड़ा बहुत मैंने इसके बारे में बताया था. बाइजेक्शन वर्ड बहुत सिंपल है. बाइजेक्शन का मतलब वन टू वन रिलेशनशिप, ऑन टू रिलेशनशिप, मतलब एलिमेंट जितने ए में है उतने बी में है, उसका मीनिंग उतना ही था. बट यहां पर फंक्शन के सेंस में इन्वर्ट करने के लिए बाइजेक्शन यूज कर रहे हैं हम. इसको इन्वर्टेबल फंक्शन भी बोलते हैं. और क्यों बोलते हैं अब तुम्हें समझ में आ गया होगा. सो अ फंक्शन इज सेड टू बी इन्वर्टेबल इफ इट इज अ बाइजेक्शन, इफ इट इज अ बाइजेक्टिव फंक्शन, यानी सर्जेक्टिव भी होना चाहिए और इंजेक्टिव भी होना चाहिए. फाइन. तो वही मैंने कहा कि इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यानी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि बताओ कि गिवन फंक्शन इन्वर्टेबल है या नहीं है, चेक करो. तो तुम्हें बेसिकली क्या चेक करना होगा कि वो फंक्शन ऑन टू और वन वन है या नहीं. ऑन टू वन वन चेक करने का तरीका तुम्हें बताइए. ऑन टू में रेंज चेक करते हैं, और वन वन चेक करना तो और भी इजी है अगर तुम उस फंक्शन का ग्राफ बना सकते हो. क्या तरीका था वन वन चेक करने का, याद है किसी को? हाउ डू यू चेक? हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट. हॉरिजॉन्टल लाइन, यस. तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर मल्टीपल पॉइंट्स पे कट कर दी गई तो मेरे फंक्शन इन्वर्टेबल नहीं रहेगा. ऑलराइट. तो मुझे इतना ही बताना था, इससे ज्यादा मुझे अभी नहीं बताना है. जब हम वापस आएंगे इनवर्स ऑफ फंक्शन पे तो हम इस चीज को वापस पढ़ेंगे, ठीक है? अब बताओ मुझे इतनी थियोरी में अगर किसी को डाउट हो तो उसे क्लियर कर ले. कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, अभी बोला गया था कि इनवर्स फंक्शन को कैंसिल करता है, तो वो काम कैसे होता है मैं तुम्हें दिखाता हूं. जैसे मान लो मैं तुमसे पूछूं व्हाट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ टू. व्हाट इज एफ ऑफ एफ इनवर्स ऑफ टू? पहले ध्यान दो एफ इनवर्स टू पर. एफ इनवर्स पे जाओ. एफ इनवर्स टू क्या है? देखो ना, ये बी से ए, तो टू का रिलेशन किससे है? देखो ना, एफ इनवर्स ऑफ टू ए, राइट? तो ये हो गया एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए टू. और एफ ऑफ ए क्या है? अब जरा ऊपर वाले मैपिंग पे जाओ. एफ ऑफ ए क्या है? टू. ए इज बैक टू टू. सो समहाउ, आई मीन दिस इज वेरी ऑब्वियस कि एफ जो है वो एफ इनवर्स को कैंसिल कर रहा है. एग्जैक्टली इसको कट मत करना, बट इनवर्स का मतलब वही है ना कि अगर एफ एक्स वाई है तो एफ इनवर्स वाई एक्स, यानी एफ ऑफ एफ इनवर्स लिया तो जो भी यहाँ पे एलिमेंट लिखा हुआ है वही एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा. एफ ऑफ एफ इनवर्स टू इज टू. समझ में आ रही है? और यही नहीं, अगर पूछा जाए कि वॉट इज एफ इनवर्स ऑफ एफ ऑफ ए तो आंसर ए आना चाहिए. चेक करो है क्या. एफ ए क्या है? व्हाट इज एफ ऑफ ए? एफ ऑफ ए इज टू. और एफ इनवर्स ऑफ टू ए. तो ये बहुत एक क्लियर सी बात है कि भैया एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स हो या फिर एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स हो, दोनों की वैल्यू एक्स रहेगी एज लॉन्ग एज दिस इज अ फंक्शन. एफ इनवर्स भी एक फंक्शन है, बाइजेक्टिव फंक्शन है, ठीक है सर? ये पॉइंट भी क्लियर है? हाँ सर. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में तो लाइक डोमेन के डिफरेंट वैल्यू सेम रिजल्ट भी दे सकता है. मैं समझ रहा हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, मैं समझ रहा हूँ. तो अब जरा इन तीनों वर्ड्स पे फिर से एक बार ध्यान दो. यू नो व्हाट आर फंक्शंस, यू नो व्हाट आर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, एंड नाउ यू ऑल्सो नो व्हाट इज इनवर्स ऑफ अ फंक्शन. आई बिलीव सबको समझ में आ गया कि इन्वर्टिंग द फंक्शन मीन्स क्या होगा, इसकी मीनिंग क्या होगी. एंड इनवर्स फंक्शन का मतलब वो इन्वर्टिंग द रिलेशनशिप, इन्वर्ट करने के बाद जो आया रिलेशन वो फंक्शन होना चाहिए, यानी दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए. उसके लिए जो फंक्शन हम लेके चल रहे हैं, जिसका हम इनवर्स निकाल रहे हैं, वो बाइजेक्टिव होना चाहिए. इतने पॉइंट सबको क्लियर है? आगे बढ़ सकते हैं अब हम. यस ओके. अब आते हैं जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे, क्योंकि हमको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस चाहिए. तो हम जरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे आते हैं. हमारा पहला जो फंक्शन है, चलो लेते हैं y is equal to sin x. sin x का डोमेन सबको पता है, साइन जो है वो ऑल रियल नंबर्स से
अब को डोमेन हालांकि हम कुछ भी ले सकते हैं विच इज सुपर सेट ऑफ रेंज, बट क्योंकि मुझे पता है कि मैं अपने मेरे हाथ में है कि मैं किसी फंक्शन को ऑन टू बनाना चाहता हूं या नहीं, तो मैं क्यों फालतू में गड़बड़ करूं, है ना, मैं इसका जो कोडोमेन है वो उसकी रेंज के इक्वल कर देता हूं। भाई किसी फंक्शन को ऑन टू बनाना बड़ा आसान है, उसके कोडोमेन को उसके रेंज के इक्वल कर दो, बन गया ऑन टू, तो ऑन टू तो बना ही सकता हूं ना मैं एटलीस्ट। बट एक चीज है जिस पर मेरा कंट्रोल नहीं है और वो है उसका वन वन या मिनिमन होना। अब साइन एक्स का जो ग्राफ है, साइन एक्स जो फंक्शन का ग्राफ है सबको पता है, साइन एक्स सबने बनाया हुआ है, तो ये देखो साइन एक्स बन रहा है, ये रहा ग्राफ ऑफ साइन एक्स। और अब तुम कोई भी टेस्ट कर लो, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट या जो भी टेस्ट कर लो, सबको पता है कि ये वन वन फंक्शन तो हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट एक y की वैल्यू के लिए देयर आर इनफिनाइट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x। भाई जैसे मैं पूछूं कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ, अब आंसर क्या आएगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स हाफ? सर इनफिनिट वैल्यूज आएंगे, इनफिनिट पॉसिबिलिटीज हैं, हालांकि उन इनफिनिट पॉसिबिलिटीज को हमने लिखा है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में n पाई प्लस माइनस 1 पावर n टू पाई बाय 6, है ना। हां तो ये देखो यहां पे भी कट करेगा पाई बाय 6 पे, 5 पाई बाय 6 पे भी कट करेगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 6 पे भी कट करेगा, 3 पाई माइनस पाई बाय 6 पे भी कट करेगा, देयर विल बी इनफिनिट सच पॉइंट्स, हमें से कोई दिक्कत नहीं है, कट करो भाई, हम आंसर लिख देंगे अपना, जनरल सॉल्यूशन लिख देंगे, बट प्रॉब्लम ये है दैट आई वांट इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन टू बी अ फंक्शन इटसेल्फ, मैं चाहता हूं कि साइन इनवर्स एक्स जो है वो खुद एक फंक्शन हो, बट अभी तो ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन जो माइनस वन से वन के बीच में वो उसको इनफाइनाइट पॉइंट्स पे कट कर रही है, तो हमें यहाँ पर मतलब नेचुरली तो ये फंक्शन इनवर्टिबल लेना पड़ता है, यहाँ पर ये जो फंक्शन बना हुआ है ये नेचुरली इनवर्टिबल नहीं है, ये फंक्शन इनवर्टिबल नहीं है। अब हम मैन्युपुलेशन से इसको इनवर्टिबल बनाने की कोशिश करेंगे, क्या होगा वो मैन्युपुलेशन, कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इस फंक्शन के ग्राफ को एक से ज्यादा पॉइंट पे कट ना करें, और उसके साथ ही साथ ये भी एंश्योर करना होगा कि माइनस वन से वन तक की सारी वैल्यूज रेंज में कवर हो, इससे वो ऑन टू वाली चीज गड़बड़ ना हो, फंक्शन ऑन टू रहना चाहिए। तो अगर तुम नोटिस करो माइनस फाइव बाई टू टू फाइव बाई डोमेन अगर तुम नोटिस करो कि माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू तक का जो पोर्शन है इतना ये वाला, इस पोर्शन में पहली खास बात यह है कि ये पूरी वैल्यूज माइनस वन से लेकर और माइनस वन तक की सारी वैल्यूज कवर कर रहा है, पहली चीज। एंड इफ आई कंसीडर ओनली दिस पोर्शन बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, एनी हॉरिजॉन्टल लाइन will not cut this portion at more than one point, क्योंकि ये देखो ये increasing part है completely, ये part कभी भी decrease हुआ ही नहीं, ये हमेशा increase करता गया, तो obviously कोई भी horizontal line इस part को एक ही point पे cut करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम sin x को restrict कर दें, sin x को restrict कर दें बिटवीन माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, देखो पाई बाई टू टू माइनस पाई बाई टू, तो हमारे सामने एक ऐसा फंक्शन आ चुका है जो इनवर्टिबल है, क्योंकि ये ऑन टू तो था ही, ऑन टू तुमने बनाया था इसको, अब ये वन वन भी हो चुका है। एट द सेम टाइम क्वेश्चन आता है कि क्या यही एक
was this the only choice? क्या यही एक choice थी हमारे पास? तो कोई भी interval में ले सकता है sir. Infinite segments ले सकते. Yes, तुम pi by two से three pi by two वाला section भी उठाओगे, तो तुम्हें वही चीज मिलेंगे. देखो ना, माइनस वन से प्लस वन तक सब कुछ कवर हो रहा है, माइनस वन से प्लस वन तक सब कुछ कवर हो रहा है, और फंक्शन डिक्रीजिंग है, हमेशा डिक्रीज, कभी इंक्रीज नहीं करता है. तो वन वन भी है, एक एक्स के लिए एक ही वाई आ रहा है, एक वाई के लिए एक ही एक्स आ रहा है. तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक ही चॉइस थी, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू वाली, ऐसा नहीं है, है ना. लेकिन ये कन्वेंशन है जो हमें फॉलो करना पड़ेगा. एंड दिस कन्वेंशन सेज दैट इफ यू टेक वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, वेयर दिस फंक्शन साइन इज डिफाइंड फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू, ये इसका डोमेन है. टू रेंज, रेंज तो उसकी फिक्स्ड है, माइनस वन टू वन. तो ये जो नया साइन फंक्शन में बनाया है, रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में हमने जो साइन एक्स बनाया है, इनवर्टिबल हो गया. यस, ठीक है. और उसका जो इनवर्स होगा, तो इनवर्स फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स डिफाइंड फ्रॉम माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू टू माइनस वन टू वन is denoted by y is equal to sine inverse x. ये यहां से काम ट्रिकी पता है क्यों हो जाता है, क्योंकि दिमाग जो है ना वो कॉम्प्रिहेंड करने को मना करता है. कि हम कहते ना कि भाई वन टू या ए टू जेड सुनाओ, बड़ा आराम सुना दोगे, ए बी सी डी ई एफ सुना दोगे. अब कहेंगे जेड टू ए सुनाओ, तो वो थोड़ा डिफिकल्ट जाएगा, ऐसा ही सुना नहीं पाओगे, बट उतने फ्लो में नहीं सुना पाओगे, उतने आराम से नहीं सुना पाओगे. ऐसा ही कुछ होता है आईटीएफ के साथ. चीज बहुत इजी है, काम बहुत आसान है, लेकिन स्टार्टिंग में वो थोड़ा सा स्लो होगा, मतलब ग्रास्पिंग भी स्लो होगी, एप्लीकेशन भी स्लो होगा. तो थोड़ा टाइम लगेगा यूज टू होने में, क्योंकि काम उल्टा हो गया है. अब तक हम हमेशा एंगल्स लेते थे, उनका साइन कॉस टेन ले लिया, लेकिन अब हमने रिलेशनशिप को इन्वर्ट कर दिया है. रिलेशनशिप को इन्वर्ट करने का मतलब कि अब जो डोमेन है वो माइनस वन टू वन है, यानी जो तुम इनपुट दोगे वो वैल्यू माइनस वन से वन के बीच में रहेगी, और जो आउटपुट आएगा वो एक एंगल होगा, वो एंगल माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में रहेगा बिकॉज ऑफ दिस कन्वेंशन. ठीक है. So, what is sin inverse x? हम लोग जो एंगल्स ढूंढते थे पहले, जैसे समझिए हमारा 75 है, तो sin inverse of 75 लिख के हम लोग आगे बढ़ जाते थे, वो यही था क्या? नहीं नहीं, sin inverse 75 लिख नहीं सकते. मान लो sin x 1 by 3 आया, तो तुमने sin inverse 1 by 3 लिखा. हाँ सर, सॉरी भाई. sin inverse 1 by 3 तो पता नहीं है, बट अब तुम्हें ये पता है कि sin inverse 1 by 3 जो भी एंगल है वो माइनस 90 से प्लस 90 डिग्रीज के बीच में है. ये तुम्हें पता है एग्जैक्टली वो एंगल कितना है, वो तुम कैलकुलेटर से या किसी निकाल सकते हो, या उसकी रेंज एक निकाल सकते हो, गेस कर सकते हो. बट ये कंफर्म्ड है कि उसके अब इनफाइनाइट आंसर्स नहीं है. साइन इनवर्स 1 बाई 3 इज एन एंगल विच इज लाइंग बिटवीन माइनस 90 टू प्लस 90. इट्स अ यूनिक एंगल, ये तुम्हें पता है. मतलब उसका कॉस हमेशा पॉजिटिव है. So, cos हमेशा पॉजिटिव होगा. यस, सो आई एम एक्सप्लेनिंग यू अगेन व्हाट इज साइन इनवर्स x. सो लेट साइन इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, वेयर थीटा इज सम एंगल, वेयर थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू. रिमेंबर, साइन इनवर्स x हमेशा माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में रहेगा. नाउ दिस इंप्लाइज x is equal to sin theta. ये कैसे आ गया? If sin versus x equal to theta, ये by definition है ना, inverting the relationship. x का sin inverse लेने पर theta आता है, तो theta का sin लेने पर x आएगा. या फिर तुम क्या सकते हो, taking sin both sides, है कि नहीं? Taking sin both sides, obviously x equal to sin theta आ जाएगा.
वेयर ऑब्वियसली ये तो ऑब्वियस है कि x बिलोंग्स टू माइनस वन टू वन. तो बताओ भाई क्या हमको साइन इनवर्स x समझ में आया? यस सर. यस. कैन वी प्लॉट द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स x? ट्राई करो. तो ग्राफ प्लॉटिंग में ये चीज में जो ध्यान रखना कि सर एक सेकंड ऊपर स्क्रॉल करेंगे आप. डोमेन एक्स एक्सिस पर नो रेंज वाई एक्सिस पर. क्या हो गया यार नॉनस्टॉप हो गया है. ऊपर कहाँ जाऊं? यहाँ पे सर बस इतना ही ऐसा. ये आवाज सुनने को ट्रेडिशन लगी यार. ये जो भागने वाली आवाज है इससे बहुत ट्रेडिशन हो रही है मुझे. सर वो वही हो जाएगा ना सर, मुझे साइन एक्स का जो पार्ट लिया था काट के वही ग्राफ आएगा. वही ग्राफ हो जाएगा सेम. थोड़ा बहुत टैन एक्स जैसा आ रहा है भाई. ग्राफ प्लॉटिंग का सबसे बेसिक मेथड क्या है? पॉइंट प्लॉट करो सही यूनिट पे. पहले जरा ये y एक्सिस पे बना लो. y एक्सिस पे भी माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में है. अब कुछ पॉइंट्स प्लॉट करते हैं. कुछ पॉइंट्स हम लोग प्लॉट करते हैं. ध्यान से यहाँ पे लिखो x और यहाँ पे लिखो साइन इनवर्स x. प्रैक्टिस भी होगी, ग्राफ भी बनेगा और तुम थोड़ा यूज टू भी होगे. x को अगर मैं रखा मान लो मैंने जीरो. What is sine inverse zero? सोचने का तरीका क्या है? वो कौन सा एंगल है जिसके साइन की वैल्यू जीरो आती है? जीरो. ध्यान रहे वो एंगल माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू के बीच में होना चाहिए. और मान लो मैंने लिया हाफ. What is sine inverse half? Five by six. What is sine inverse minus half? Minus pi by six. Yes. क्योंकि तुम्हें माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में रखना है. तो थर्ड क्वाड्रेंट में जाने की जरूरत नहीं है, फोर्थ में जाने की जरूरत नहीं है. और वन व्हाट इज साइन इनवर्स वन? पाई बाय टू है ना. साइन इनवर्स माइनस वन इज माइनस माइनस माइनस. इतने पॉइंट्स के बाद तो ग्राफ बनना चाहिए. स्केलिंग प्रॉपर रखो. स्केलिंग का मतलब ये जैसे हाफ देखो इसका मिड पॉइंट हो गया हाफ साइन वर्स हाफ. बट पाई बाय सिक्स उसका मिड पॉइंट नहीं है, पाई बाय सिक्स उसका वन थर्ड है. तो मैं स्केलिंग बात कर रहा था. ये देखो यानी ये ग्राफ जो है कुछ एक मिनट पाई बाय सिक्स कुछ ऐसा जाएगा यहाँ से ऐसा और सिमेट्रिकली यहाँ पे ऐसा. तो बात सही है. tan x जैसा ग्राफ दिखेगा. और तुम्हारे रेफरेंस के लिए एक और लाइन है यहाँ पर जो तुम्हें याद हो मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में भी बनवाई थी. y = x. अगर तुम्हें याद हो साइन एक्स का ग्राफ मैंने बताया था कि वो उसकी एक टेंजेंट है. वाई इक्वल टू एक्स उसकी एक टेंजेंट है. साइन इनवर्स एक्स की भी ये एक टेंजेंट ही है. ठीक है. द ओनली डिफरेंस इज कि जहां पे साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स के नीचे था साइन इनवर्स एक्स वाई इक्वल टू एक्स के ऊपर है.
और ये हो रही था बिकॉज एक्स और वाई इंटरचेंज हो गए हैं तो ये तो हो नहीं था. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट ग्राफ है बिल्कुल. बताओ सर आप y equals to x वाला पॉइंट वापस बता दोगे एक बार. y equal to x लाइन मैं दिखा दे रहा हूं. y equal to x is a tangent. और ये tangent क्यों है ये आगे हम चैप्टर्स में प्रूव करेंगे. एट ओरिजिन ठीक है. तो 0,0 पर ये इस ग्राफ को टच करती है लाइन. बाकी तुम sin x बना लो ठीक है. साइन एक्स के ग्राफ से साइन वर्सेस ग्राफ देखो बड़े आराम से बन सकता है. ये वही चीज है बस उल्टा हो गया है. एक्स एक्सिस पे एंगल्स थे वो वाई एक्सिस पहुंच गए और वाई एक्सिस पे वैल्यूज थी जो कि एक्स एक्सिस पे पहुंच गई. ये फ्लिप हो गया ग्राफ एक्स वाई पे. वाई इक्वल टू एक्स के अबाउट इमेज है साइन एक्स की. अगर तुम समझ पाओ मैं sin x बनाऊं देखो sin x सर रोटेट हो गया है थोड़ा किस एंगल से टिल्ट हो गया है. ये देखो ना sin x ये था ये sin x था. तो अब तुम समझ पा रहे हो क्या हुआ है इसका. अगर ये sin x है और ये sin inverse x है ना सर वो मिरर जैसा सर वो x वाला y पे चला गया है. Mirror image of sin x with respect to y is equal to x. क्यों हो रहा है ऐसा. क्यों ये mirror image है y equal to x के about. क्योंकि तुम जब किसी भी point तुम किसी भी point की अभी ये straight line में cover हुआ या नहीं हुआ तुम किसी भी पॉइंट की अगर इमेज लेते हो y इक्वल टू x में. मान लो एक पॉइंट है मेरा 2,1. अगर मैं 2,1 की इमेज लूं तो 2,1 की इमेज आएगी 1,2. तो y इक्वल्स टू x लाइन एक ऐसी लाइन है जो x और y कोऑर्डिनेट्स को स्विच कर देती है. यानी x को y और y को x रहती है. देखो यही चीज इनवर्स ऑफ द फंक्शन में होती है. y का x और x का y बनता है. तो दैट्स व्हाई इट इज मिरर इमेज ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू y इक्वल्स टू x. खैर ये सब भी जाने मतलब ये लाइन y इक्वल्स टू sin x हर एक फंक्शन या फिर किसी भी ग्राफ के लिए मिरर इमेज की तरह एक्ट करती है क्या. मिरर की तरह एक्ट करेगी किसी भी फंक्शन का अगर तुम्हें इनवर्स निकालना हो. जैसे कि ये देखो ये ग्राफ है e पावर x का. y इज इक्वल टू e पावर x. अब यहां पे बनाओ y इज इक्वल टू x और इसमें इसकी इमेज लो क्या मिलेगा y इज इक्वल टू ln x. ln x और e पावर x एक दूसरे के इनवर्स फंक्शंस हैं. That's why ln of e power x is x, e power ln x is also x. Yes, sir. Correct? समझ में आई बात. तो y equal to x के अबाउट अगर तुम इमेज लोगे तो ग्राफ तुरंत बन जाएगा. खैर ये था sin inverse x. अभी भी किसी को डाउट हो तो उसको क्लियर करो पूछो. सर तो y equals to x वाला पॉइंट हम लोग इसको एक और ट्रांसफॉर्मेशन की तरह काउंट कर ही सकते हैं ना. कर सकते हैं कर सकते हैं. और ये मैं फिर से लिखवाऊंगा ये सब सारी चीजें जो है इनवर्स ऑफ द फंक्शन लिखवाई जाएगी. ठीक है कुछ क्वेश्चंस हम लोग जल्दी से ट्राई करते हैं. फाइंड वैल्यू ऑफ जिससे हम थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाए. साइन वर्स ऑफ -√3/2. बताओ क्या आंसर होगा. What is sine inverse of -√3/3. -π/3. Very good. What is the value of sine inverse? 1 minus root 5 by 4.
माइनस पाई बाय टेन. वेरी गुड. साइन सॉरी साइन 18 डिग्रीज रूट 5 माइनस 1 बाई 4 होता है. तो साइन इनवर्स रूट 5 माइनस 1 बाई 4 18 डिग्रीज होता है पाई बाय टेन, बट मैंने एक माइनस कर दिया उसका, है ना, 1 माइनस रूट 5 कर दिया तो माइनस 18 हो गया. बिल्कुल सही. वेरी गुड. दूसरा क्वेश्चन बन सकता है, बेसिक क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ, पहला है y is equal to sine inverse of ln x. Can you find domain of this function? बता सकते हो उसका डोमेन क्या होगा? Zero to pi by two. Zero to pi by two. इसका डोमेन. Yes sir. हाँ sir. हाँ. सर उसके ln का पॉजिटिव. सर रेंज होगा ना 0 to pi by 2. मैं डोमेन पूछ रहा हूँ. सर 0 to 1. 0 to 1. अच्छा. कोई बात नहीं. सो हाउ डू यू फाइंड डोमेन? डोमेन कैसे निकालते हैं? सबसे पहले जो आउटर मोस्ट फंक्शन है उसको देखो. इस फंक्शन का डोमेन क्या है? साइन इनवर्स का डोमेन क्या है? हमको पता है, मैंने लिखा है अभी कि डोमेन ऑफ साइन इनवर्स इज माइनस वन टू वन. साइन इनवर्स के अंदर जो भी आएगा वो माइनस वन से वन के बीच में ही होना चाहिए. ये बात सबको पता है ना? नहीं पता है? यस सर. जीरो टू ई पता है ना? ये देखो माइनस वन टू वन, ये तो डोमेन है इसका. तो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन अगर माइनस वन टू वन है तो इसका मतलब ये क्लियर है कि जो लॉग एक्स है इट शुड बी बिटवीन माइनस वन टू प्लस वन. सही है ना ये? एंड इफ यू सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, दिस इज एल एन वन अपॉन ई, दिस इज एल एन ई. और तुम्हें पता है कि आंसर क्या है? आंसर है एक्स belongs to 1 by 2e. तो ये है इस फंक्शन का डोमेन, जो कि हम लोग नहीं कर पाए. कोई बात नहीं. पहला क्वेश्चन था, लेकिन सुन आया, समझ में आई बात? यस सर. ठीक है, समझ में आई है. तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप सॉल्व करके आराम से, कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से सोच कर बताओ कि इसका डोमेन क्या है. व्हाट इज द डोमेन ऑफ एल एन साइन इनवर्स एक्स? ध्यान रहे, हम सबसे पहले सोचेंगे इस फंक्शन के बारे में जो बाहर वाला फंक्शन है, क्योंकि उसका इनपुट ये साइन इनवर्स एक्स है. तो कंडीशन फिर साइन इनवर्स एक्स पे आएगी. अब देखते हैं कितने लोग सही आंसर दे पाते हैं. सर जीरो से पाई बाय टू, जीरो नॉन इंक्लूसिव. जीरो टू वन. करेक्ट. लॉग जो है वो केवल पॉजिटिव वैल्यूज ही कवर करता है. यानी एक कंडीशन यहाँ पे तो ऑब्वियस हो गई कि जो साइन इनवर्स एक्स है इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. लॉग के और भी कंडीशन नहीं है. लॉग का डोमेन क्या होता है? जीरो टू इन्फिनिटी, जीरो एक्सक्लूडेड. तो ये क्लियर है कि साइन इनवर्स एक्स पॉजिटिव होना चाहिए. बट साइन इनवर्स एक्स क्या केवल पॉजिटिव होता है? नहीं. हमको पता है कि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज है, ये देखो, ये रेंज, ये है रेंज ऑफ साइन वर्स एक्स. तो उसकी रेंज में माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू तक के सारे एलिमेंट्स आते हैं, मतलब नेगेटिव वैल्यूज भी आती है, बट वो आप आनी नहीं चाहिए. इसका मतलब क्या होना चाहिए? साइन इनवर्स एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो,
and by default it is going to be less than or equal to pi by 2 jo convention mein banaya hai. Now if you take sine both sides ya angle tum batai hai ki kis angle par ya kis ye dono angles hain to unke sine ki value kya hoti hai tumko pata hi hai. So x is greater than sine 0 and 0 less than equal to 1. Answer is x belongs to 0 excluded to 1 included. Here answer. भाई जीरो एक्सक्लूड रहेगा समझ में आ रहा है, एल एन जीरो डिफाइन नहीं होता है, जीरो के बाद चलेगा. और वन पर ही हम क्यों रुक गए, हम वन के आगे क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि साइन इनवर्स भी तो लिखा हुआ है यहां पर. साइन इनवर्स वन के बाद तो कोई रियल वैल्यू देगा ही नहीं ना यार. साइन इनवर्स का जो खुद का डोमेन है वो माइनस वन से वन के बीच में है ना, है कि नहीं? यस सर. समझ में आ रहा है? तो ये क्वेश्चन कर लिया कुछ लोगों ने, कुछ लोग नहीं कर पाए. सर इसमें वो कंफ्यूजन होता है कि 0 टू 1 रहेगा या 0 टू पाई बाय 2 आएगा. हां तो पाई बाय 2 क्यों लग रहा है, ये ln sin x थोड़ी ना है, ये कंफ्यूजन नहीं है, बस वही है कि टाइम लगेगा अडैप्ट करने में कि ये साइन नहीं है, ये इनवर्स है. यानी इसके अंदर जो आ रहा है वो एंगल नहीं है, वो एक वैल्यू है, और वो वैल्यू जो है वो हमेशा माइनस वन से वन के बीच में रहती है. इट कैन नॉट एक्सीड प्लस वन, वन से बड़ी नहीं हो सकती है. तो पाई बाई टू अपने आप पिक्चर से गायब हो जाएगा. खैर ठीक है, स्टार्टिंग ये होता है और देखते हैं. मान लो पूछा जाए वाई इज इक्वल टू रूट ओवर साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स. साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्या होगा इसका डोमेन? जीरो टू वन. श्योर? और देखते हैं कैसे किया. पूरा रहना चाहिए सर, माइनस वन टू वन रहना चाहिए ना. अभी देखते हैं. ये तो क्लियर है कि जो रूट लगा हुआ है वो ये कह रहा है कि भाई अंदर जो भी चीज है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, यानी कि दिस शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो. इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम थोड़ी देर के लिए ऐसा करते हैं, लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू टी, जिससे बन गया टी स्क्वायर माइनस टी ग्रेटर इक्वल टू जीरो. राइट, यू कैन टेक टी कॉमन, टी माइनस वन ग्रेटर इक्वल टू जीरो, और इसको तुम सॉल्व करोगे सबको पता है आंसर आएगा माइनस इंफिनिटी से जीरो यूनियन वन टू इंफिनिटी. ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं. अब ये बात ध्यान दो कि यहां जो टी लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं साइन इनवर्स एक्स है, ये साइन इनवर्स एक्स है. क्या साइन इनवर्स एक्स माइनस इंफिनिटी हो सकता है? क्या साइन इनवर्स एक्स माइनस टेन हो सकता है? क्या साइन इनवर्स एक्स फाइव हो सकता है? नहीं, साइन इनवर्स एक्स तो हमेशा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होता है भाई. तो पहला काम तो ये करो कि जो भी तुम्हारा आंसर आया है इनइक्वालिटी का उसका इंटरसेक्शन ले लो उसकी रेंज के साथ, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स पाई बाई टू से बड़ा हो नहीं सकता, माइनस पाई बाई टू से छोटा हो नहीं सकता. क्या आएगा भाई इसका इंटरसेक्शन? इसका इंटरसेक्शन आएगा माइनस पाई बाई टू टू जीरो यूनियन यूनियन वन टू पाई बाई टू ऑल इंक्लूडेड ना, सब इंक्लूड रहेंगे. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए? और इन शॉर्ट तुम्हें क्या करना है, टेक साइन ऑफ एवरी वैल्यू, टेक साइन ऑफ एवरी वैल्यू, दैट्स इट. अरे भाई साइन वर्स एक्स इक्वल टू माइनस पाई बाई टू, सो एक्स इज साइन ऑफ माइनस पाई बाई टू. साइन इनवर्स एक्स इज जीरो, देन एक्स इज साइन जीरो. साइन वर्स एक्स इज वन, देन एक्स इज साइन वन. साइन वर्स एक्स इज पाई बाई टू, देन एक्स इज साइन पाई बाई टू. क्या आंसर आएगा? आंसर इज माइनस वन टू जीरो यूनियन साइन वन टू वन. तो
जीरो से साइन वन के बीच की वैल्यूज जो है वो कवर नहीं होंगी, बाकी सब कुछ अलाउड है, सारे नेगेटिव वैल्यूज माइनस वन से जीरो तक के और साइन वन से वन तक की वैल्यूज भी अलाउड है। तो ये जो हम कर रहे हैं, अगर तुम चाहो तो मैं इसको भी मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप लिखवा देता हूं, दैट हाउ टू फाइंड डोमेन ऑफ एनी फंक्शन ऑफ साइन इनवर्स एक्स, ऐसा अगर लिखा हो तो एफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो कैसे करना है क्वेश्चन, देखो ना ऊपर जो हमने क्वेश्चन किया रूट ओवर दिस होल थिंग, या फिर उसके ऊपर किया एल एन साइन इनवर्स एक्स, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो डोमेन फाइंड करने के स्टेप्स क्या होने चाहिए, कैसे हमको फाइंड करना चाहिए। स्टेप वन लेट, मैं अज्यूम कर रहा हूं कि लेट ए टू बी बी डोमेन ऑफ एफ एक्स, ये जो बाहर वाला फंक्शन है उसका डोमेन मान लेते हैं कि वो ए टू बी, ऐसा मान लेते हैं। देन सॉल्व क्या साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू ए टू बी इंटरसेक्शन विद माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, ये इंटरसेक्शन लेना जरूरी है। क्यों ले रहे हैं हम इंटरसेक्शन, किसी को बात समझ में आ रही है? ये इंटरसेक्शन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू है वो अब कन्वेंशन के अकॉर्डिंग पाई बाई टू से बड़ी नहीं हो सकती, माइनस पाई बाई टू से छोटी नहीं हो सकती। तो फॉर इंस्टेंस मान लो ए टू बी हमारा आ गया मान लो 5 to 6, तो अब हमको इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमको पता है कि भैया साइन इनवर्स एक्स कभी 5 से 6 के बीच में होगा ही नहीं। ऐसा ना हो कि तुमने इसको सॉल्व कर दिया, देखो ऐसे कुछ लोग इसको गलती से सॉल्व कर लेते हैं, इट इज ग्रेटर देन 5 लेस देन 6, सो एक्स साइन 6 और साइन 5 के बीच में, ये रॉन्ग है, दिस इज इनकरेक्ट, गलत हो गया। ये गलत क्यों हो गया? बिकॉज हमारा कन्वेंशन है और वो कन्वेंशन ये कहता है कि साइन इनवर्स एक्स हमेशा माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच में होना चाहिए। एंड नाउ यू नो कि यहां पर इंटरसेक्शन होगा नहीं, दिस इज नल सेट, 5, 5, 6 और माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में कोई भी एलिमेंट कॉमन हो ही नहीं सकता, पाई बाई टू छोटा है 5 से, दैट इज वाई दिस विल हैव नो सॉल्यूशन, डोमेन होगा ही नहीं इसका। तो ये जो स्टेप है पहला स्टेप, इस एक ही स्टेप में तुम्हें अपना आंसर मिल जाएगा। जब तुम इसको सॉल्व करोगे साइन वर्स एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरसेक्शन, तो ये स्टेप लिखते ही तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इतना ही करना है, डोमेन निकालने के लिए इतना ही करना है। एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे? दो है? चलो ट्राई करो, क्वेश्चन है रूट ओवर लॉग बेस टू साइन इनवर्स एक्स, चलो ट्राई करो। फाइंड द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन, तो वन बाय वन हम कंडीशन अप्लाई करते जाएं, है ना। सबसे पहले कंडीशन किस पे आएगी, जो आउटर मोस्ट है रूट, क्या कंडीशन आएगी बोलो, क्या कंडीशन आएगी भाई? लॉग साइन इनवर्स इक्वल टू, यस, लॉग ऑफ साइन इनवर्स एक्स बेस टू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो, विच यू नो इज द वैल्यू ऑफ लॉग वन, लॉग वन इज जीरो। अब लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी सबको सॉल्व करनी आती है, सो व्हाट डिड यू गेट साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, यानी कि साइन इनवर्स एक्स बिलोंग्स टू व्हाट 1 टू इंफिनिटी। बट डोंट स्टार्ट सॉल्विंग दिस बिकॉज बिफोर दिस वी हैव टू टेक
इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है. साइन वर्स एक्स लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू ग्रेटर देन और इक्वल टू वन. एंड टू रिमूव साइन वर्स you have to take sine of each value. Take sine of each value. So kya aega? Sine 1 less than or equal to x less than or equal to sine pi by 2 which is 1. So what is your answer? X belongs to sine 1 to 1. So yeah. Samjhaiye? Yes sir. Yes sir. ठीक है भाई. तो ये कुछ डोमेन वाले क्वेश्चन मैंने करा दिए बिकॉज अभी अभी हमने ये फंक्शन पढ़ा है तो डोमेन वाले क्वेश्चन कराने जरूरी थे. और मैं फिर से यहाँ पे लिखवा दे रहा हूँ, इस बात को ध्यान से समझ लो और याद रखना कि डोमेन ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स इज उल्टा ही है, माइनस वन टू वन उल्टा हो गया. एंड range of y is equal to cos inverse x, y is equal to sin inverse x is minus by convention. हाँ, ये कोई logical चीज नहीं है, ये कोई ऐसी चीज जो तुम प्रूव कर सकते हो, ये conventional है. और ये minus pi by 2 से plus pi by 2 के बीच में रखी गई है, इसको ध्यान रखना है. तो ये दो चीजें तो हमको हमेशा ध्यान रहनी चाहिए. योर आंसर कैन नॉट बी मोर देन पाई बाई टू, योर आंसर कैन नॉट बी लेस देन माइनस पाई बाई टू. ठीक है, एक क्वेश्चन और दिखाता हूं तुमको. जैसे मान लो अभी कॉस पे आते हैं, पहले इसको मैं पूरा डिटेल में समझा लूं उसके बाद आते हैं उस पर. 3π/2 एंड find the value of आवाज आ रही है ना? Yes sir. Hello. आ रही है sir. Find the value of 2x1 plus x2 minus x3. बताओ कैसे सॉल्व करोगे इसको? सर दोनों साइड साइन लेंगे. नहीं, दोनों साइड साइन लेना गलत नहीं है बट उसकी जरूरत नहीं है. सर पाई बाय टू पाई बाय टू पाई बाय टू. हाँ सर, मतलब तीनों पाई बाय टू ही होंगे. यहां पर जो क्वेश्चन लिखा है देखो, उसमें एक इक्वेशन है, तीन वेरिएबल्स हैं, फिर भी ये सॉल्व अगर हो सकता है तो जब ये डेफिनेटली कोई ना कोई स्पेशल केस है. और ये स्पेशल केस कैसे है तो अभी हमने पढ़ा है कि साइन इनवर्स किसी भी रियल वैल्यू का पाई बाय टू से छोटा होता है. साइन इनवर्स एक्स टू इज लेस देन और इक्वल टू पाई बाय टू. साइन इनवर्स एक्स थ्री इज लेस देन इक्वल. हाँ सर, अब समझ पाया, सबका मैक्सिमम वैल्यू होगा. Yes. तो जो सम है साइन इनवर्स एक्स वन प्लस साइन इनवर्स एक्स टू प्लस साइन इनवर्स एक्स थ्री, इट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3π/2. क्वेश्चन में इक्वलिटी आ रही है, देखो ये इक्वल्स टू 3π/2. तो ये इक्वलिटी यहां पे कब आएगी? इक्वल sir x2 is equal to sin inverse x3 is equal to pi by 2. So what are the values of x1 x2 x3? Rajat sir, aapki awaaz chali gayi thi ek minute ke liye.
अभी आ रही आवाज आप सर, एक बार what? हाँ सर एक बार रिपीट कर दीजिए ना. So, sin inverse x1, sin inverse x2, sin inverse x3, तीनों की वैल्यू पाई बाय 2 होनी चाहिए. हेलो सर क्या हो गई, किसी को आवाज नहीं आ रही क्या? एक मिनट के लिए चले गए थे सर, आप रिपीट कर देंगे एक बार सर? अरे भाई तो बोल रहा हूँ, रिपीट तो कर रहा हूँ कि sin inverse of any real value between minus 1 and 1 lies between minus pi by 2 to plus pi by 2. The maximum value is plus pi by 2. तो तीनों को ऐड करो and you will get 3 pi by 2. Yes, sir. जो यहाँ लिखा हुआ है. लेकिन यहां पर इक्वलिटी है, तो ये इक्वलिटी कब आएगी? जब तीनों में इक्वलिटी होगी, यहां यहां और यहां. सो साइन वर्स एक्स वन इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स टू इज इक्वल टू साइन वर्स एक्स थ्री इज इक्वल टू पाई बाई टू. तो फिर ये वैल्यूज क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वन एक्स टू एंड एक्स थ्री? वन. ठीक है, अब जो भी क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया 2x1 plus x2 minus x3. Two. आंसर क्या हो गया? Two हो गया. Two. है ना? तो ये ट्रिकी क्वेश्चंस रेंज पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जहां पर रेंज की एक्सट्रीम वैल्यू यूज की जा रही है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स बाय कन्वेंशन. ठीक है ना? तो ऐसे क्वेश्चन भी बन सकते हैं. अब आते हैं दूसरे फंक्शन पे. दूसरा फंक्शन है हमारा y is equal to cos inverse x. cos inverse x पे आते हैं. उसके पहले हम लोग एक बार cos x का ग्राफ बनाते हैं. ये देखो, तो जस्ट लाइक साइन एक्स कॉस एक्स भी इन्वर्टिबल नहीं है फॉर श्योर. ये इन्वर्टिबल तो नहीं है, लेकिन इसको भी इन्वर्टिबल बनाया जा सकता है. कैसे? सर डोमेन को जीरो टू पाई तक रेस्ट्रिक्ट करके. आउट ऑफ मेनी ऑप्शन, ऐसा नहीं कि जीरो टू पाई एक ऑप्शन था. मेनी ऑप्शन, यस, जीरो टू पाई इज एन ऑप्शन. जीरो से पाई हमारा एक ऑप्शन. देखो ना, ये पार्ट अगर तुमने सेपरेट किया, ये वाला, तो ये पार्ट ऑन टू तो है ही, क्योंकि ये माइनस वन से वन तक वाई एक्सिस सब कुछ कवर कर रहा है, और ये वन वन भी है. For one value of x, you are getting one value of y. For one value of y, you are getting one value of x. So, if I take only this part, so y is equal to cos x 0 to pi to minus 1 to plus 1. तो अब ये इन्वर्टिबल है ना? अब इस फंक्शन को हमने इन्वर्टिबल बना दिया. सो व्हाट इज cos इनवर्स x? कॉस इनवर्स एक्स कैसा फंक्शन होगा भाई? मिरर इमेज ले लेंगे. नहीं अभी ग्राफ नहीं आ रहा है, हम ग्राफ मांगेंगे अभी. वाई इक्वल्स टू कॉस इनवर्स एक्स इज
इनवर्स फंक्शन ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, इसका डोमेन क्या होगा? इसका डोमेन, ध्यान रहे, जो उसकी रेंज है वो उसका डोमेन हो गया, यानी सेम एज साइन वर्स एक्स, माइनस वन टू वन. और क्या है इसकी रेंज? जीरो टू पाई. जीरो टू पाई, ये कन्वेंशन है, ठीक है? दिस इज अ कन्वेंशन. सो बाय कन्वेंशन कॉस इनवर्स एक्स की जो रेंज है वो माइनस सॉरी जीरो से पाई के बीच में रखी गई. इट इज जीरो टू पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकंड क्वाड्रेंट ओनली. फाइन, एंड देन इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? सो लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू थीटा, दिस विल इंप्लाई एक्स इज इक्वल टू कॉस थीटा, वेयर दिस थीटा विल ऑलवेज लाई बिटवीन जीरो टू पाई. सो बेसिकली हम एक ऐसे एंगल के कॉस की बात कर रहे हैं जिसका कॉस लेने पर एक्स आता है. यानी कि अब कुछ बेसिक क्वेश्चन अगर पूछे जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, मान लो कॉस इनवर्स हाफ, तो अगर किसी ने कॉस इनवर्स हाफ पूछा तो तुम्हें हमें क्या सोचना है? हमें एक ऐसा एंगल सोचना है जिसका कॉस लेने पर हाफ आता है. या इसको ऐसे देखो कि मैंने इसको थीटा मान लिया, सो दिस इंप्लाइज cos theta is equal to half. So what is this theta? Pi by 3. यहाँ पे ऐसे infinite theta हो सकते हैं, but फिर यहाँ पर condition भी है that theta belongs to 0 to pi. So now we have a unique answer. Theta is equal to pi by 3. Understood? समझ में ही बात ये सभी को? Yes sir. So find me cos inverse minus 1 by root 2. Bato. Minus pi by 4. Nee. What is the value of cos inverse minus 1 by root 2? 3 pi by 4. 5 by 4. 3π/4. भाई क्लियर सी बात है, नेगेटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो होगा नहीं 0 to π/2. π/2 से पाई के बीच में होना चाहिए. π/2 से पाई के बीच में वो कौन सा एंगल है जिसकी वैल्यू, जैसे कोसाइन की वैल्यू -1/√2 होती है? 3π/4. उल्टा चलना है ना, हमें सोचना है cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2. तो मिल जाएगा आंसर हमको, कोई दिक्कत? समझा ना ये? यस सर. यस सर. हाँ सर. व्हाट इज कॉस इनवर्स जीरो? सुनो. हाँ सर, कॉस इनवर्स जीरो सर पाई बाय टू. वेरी गुड, जल्दी जल्दी में वन निकल जाता है लोगों से, वन निकला भी अभी, बट आंसर पाई बाय टू है. किस एंगल के कॉस की वैल्यू जीरो होती है ये सोचना है. कॉस जीरो नहीं है ये, कॉस इनवर्स जीरो. वेरी गुड. अब चलो लोग एक बार ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं. लेट्स प्लॉट द ग्राफ ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स. एक बार फिर जैसा मैंने बताया था कि ग्राफ प्लॉटिंग करते हुए एक्स एक्सिस पे डोमेन जो कि है -1 to 1 और वाई एक्सिस पे रेंज या कोडोमेन जो कि है 0 to π. तो ये जरूर प्लॉट कर लो, ठीक है? जो तुम्हें पता रहे कि जो ग्राफ है वो इन दो लाइंस के बीच में, उन दो लाइंस के बीच में कंटेन्ड है. अब कुछ पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, कुछ पॉइंट्स जैसे कि जीरो पर इसकी वैल्यू क्या आई, व्हाट इज कॉस इनवर्स जीरो, भी तुमने निकाला है देखो.
cos inverse 0 या चलो टेबल अगर बनाना चाहो x cos inverse x 0 पर pi by 2, ये पॉइंट हो गया, ग्राफ इससे पास होगा. माइनस वन पर व्हाट इज कॉस इनवर्स माइनस वन? पाई. तो माइनस वन पर हो गया पाई. व्हाट इज कॉस इनवर्स माइनस हाफ? What is cos inverse minus half? Two pi by three का मतलब हुआ कुछ, देखो यहाँ 2π/3. ज्वाइन करें तीनों पॉइंट्स को, कुछ ऐसा ग्राफ आना चाहिए. What is the value of cos inverse 1? Cos inverse 1 क्या होगा? 0. यानी इस पॉइंट पे आएगा. तो बीच में तुम कुछ पॉइंट्स चाहो तो बना सकते हो. ये दिस इज द ग्राफ ऑफ cos inverse x. y इज इक्वल टू cos inverse x. ठीक है. और इसको पता है हम लोगों ने कैसे याद रखा था? मतलब मैंने तो बचपन में फ्रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? फल. 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 ये देखो तो फल में जो फा है वही कॉस इनवर्स एक्स है कि नहीं? देखो ना, मतलब ऐसे याद रख सकते होगा तुम चाहो तो, मर्जी है तुम्हारी. ये साइन इनवर्स एक्स का मिरर इमेज कैसे हो सकता है भाई? साइन इनवर्स एक्स का मिरर इमेज तो साइन एक्स होता है ना? नहीं सर, अबाउट वाई एक्सिस फॉर क्वेश्चन, मतलब रिफ्लेक्शन अबाउट वाई एक्सिस. अबाउट वाई एक्सिस गलत नहीं है, बट शिफ्टिंग भी हुई है ना, पाई बाय 2 यूनिट से ऊपर शिफ्ट भी हुआ है. हां सर, मतलब वो थोड़ा सा फिर ठीक है, फिर तुम सही बोल रहे हो. y एक्सिस के अबाउट इमेज एंड देन शिफ्ट, सही है. तो ये है cos इनवर्स x. और ऐसे ही हमारे पास कितने और फंक्शन बनेंगे? चार और बनेंगे. तो फिलहाल आज मैं दो ही करवा रहा हूं. ठीक है, अपने आप ट्राई करो जो बाकी बचे हुए फंक्शंस हैं. ये tan इनवर्स x, cot inverse x, sec inverse x और cos sec inverse x. इन चार फंक्शन के ग्राफ डोमेन रेंज बुक से निकाल कर देखो. हालांकि मैं करवाऊंगा उसको, चारों करेंगे हम लोग. और फिर इन फंक्शन की प्रॉपर्टीज आएंगी, इनकी भी आइडेंटिटीज आएंगी. ठीक है, तो वो काम को करना है. बट बिफोर दैट जो होमवर्क है आज का वो GIF वाला है, वो करना है. ये तो अभी स्टार्ट हुआ है, धीमे धीमे आगे चलेंगे इसमें. हाँ. ठीक है सर, कब तक सबमिट करना है GIF वाला होमवर्क? कल रात तक सबमिट करना है. ओके सर. सर आप सब्जेक्ट टीचर्स को आप सिलेबस भेजने बोल दोगे? पार्ट टेस्ट का सिलेबस? पार्ट टेस्ट का? हाँ सर. ठीक है, बोल दे रहा हूँ पार्ट टेस्ट का सर कल.